न्यूज पर आ गया है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया। ये पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था। हालांकि बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 73 अंक गिरकर 80,429 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 23 अंक फिसला, ये 24,479 पर पहुंचा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सोने पर कस्टम ड्यूटी 6% कम करने का ऐलान किया। उनके इस ऐलान के बाद सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई। एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को सोने की कीमतों में 4,000 रुपए तक की गिरावट आई। वहीं चांदी के दाम भी 4,800 रुपए तक फिसले। अब नाबालिग बच्चों के लिए भी पेंशन योजना होगी। दरअसल बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है, जिसका नाम है वात्सल्य। इस योजना के तहत माता पिता और अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर निवेश कर सकेंगे और बाद में नाबालिग बच्चों के वयस्क होने पर यानी 18 साल पूरे होने पर उनके खाते को सामान्य एनपीएस खाते में बदल दिया जाएगा। इससे पहले एनपीएस सिर्फ वयस्कों के लिए ही था। फ्रांस की कार मेकिंग कंपनी सिट्रोन जल्दी ही अपनी नई कार बेसल्ट को भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी में है। चर्चा है कि कंपनी से 2 अगस्त को भारत में लॉन्च कर सकती है। हाल ही में कंपनी ने सोशल मीडिया पर टीजर जारी कर इसकी झलक दिखाई थी। हालांकि इसकी कीमत को लेकर अभी कंपनी की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी शुरुआती कीमत 10 से 12 लाख रुपए तक हो सकती है।